गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप कुमार फ्रॉम चाणक्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। माई डियर स्टूडेंट, मैंने इसे पिछले वाली कक्षा में यानी अपने लेक्चर संख्या 2 में मैंने आपको प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कौशल के प्रकार, प्रश्न पूछने के उद्देश्य, प्रश्नों के घटक के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना के बारे में बताऊंगा कि प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण के बारे में। तो जैसे कि हम लोग अभी सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, लोग आप जब प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण करेंगे तो पहले आपको दिया जाता है, वहाँ पर अपना नाम लिखिए, उसके बाद आपका दिनांक दे दिया, जो डेट है उसको लिखिए, फिर कक्षा यानी क्लास लिखिए, किस क्लास के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बना रहे हो। आफ्टर दैन विषय लिखिए, आफ्टर दैन उप विषय, फिर प्रकरण यानी टॉपिक, किस क्लास यानी कि कौन सा आपका पीरियड हो जा रही है, उसमें आपका टाइमिंग क्या होगी उस चीज़ को देख लीजिए, और उसके बाद से शिक्षण। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको देखा हूँ, मैं बताता हूँ कि दिनांक अगर आप जिस दिन का बना रहे हो उस दिन डाल दीजिए, नाम अपना डाल दीजिए, क्लास डाल दीजिए, किस पीरियड में है, और समय समय तो आपको पूर्ण रूप से देखना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य अगर हमें पूर्ण रूप से करना है सफल बनाने के लिए, उसमें समय की मुख्य भूमिका होती है। यानी कि जब तक आप समय का पालन नहीं करते हैं आपका कोई कार्य सफल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न कौशल में भी आपको, यानी प्रश्न कौशल का जब आप निर्माण कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो पाठ योजना बना रहे हैं उसमें आपको क्या देखना जरूरी होता है, समय। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना। तो जैसे कि यहाँ पर दे रहा है, पहला आपका देता है क्रम संख्या, उसके बगल में दे रहा है छात्राध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री। तो जब आप प्रश्न कौशल के अंतर्गत जो पाठ का निर्माण करेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रकरण यानी कि जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा ये पढ़ाने का जो टॉपिक है वो क्या है, पाचन तंत्र। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में राजा राम मोहन राय के बारे में, तो उसमें मैंने आपको मौखिक रूप से बताया था। अब इसमें लिखित रूप से आपको बता रहा हूँ कि अगर पाचन तंत्र के बारे में आपको बनाना है तो सबसे पहले आप छात्र से क्या करेंगे, पहले प्रश्न कीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न कौशल है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक रूप में हो। पहले आप बच्चों से प्रश्न कीजिए, अच्छा बच्चों बताओ कि हमारे शरीर में भोजन कहाँ पचता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप डायरेक्ट बच्चों से पूरा नहीं कर सकते हैं, एक बच्चे को आप खड़े कराइए और उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछते हैं कि बच्चों बताओ कहाँ किया जाता है तो सारे बच्चे लगेंगे चिल्लाने, उस समय आपकी क्लास क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, यानी कि आपके और छात्र के बीच में सहसंबंध नहीं बनेगा। तो आप किसी एक बच्चे को खड़ा कीजिए और पूछिए, बाबू आप बताओ कि हमारे शरीर में भोजन कहाँ पचता है। तो अगर बच्चा जानता होगा तो वो कह सकता है कि हमारे शरीर में भोजन पाचन तंत्र में पचता है। तो आपका फीडबैक क्या होगा, आप क्या बोलेंगे उसको, बहुत अच्छा बैठ जाइए। फिर दूसरे बच्चों से आप पूछिए, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो अगर जो बच्चा जानता होगा वो जाहिर सी जवाब देगा, जो नहीं जानता होगा वो शांत रहेगा। तो जो जान रहा है उसको आपका वो आपको बताएगा कि भोजन पचाने में जो तंत्र
हमारी सहायता करता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। तो आप फिर वहाँ पर बोलिए बच्चों को बहुत अच्छा, और ये भी चीज़ को आप ध्यान में रखिए, अगर जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गुस्सा करें उस पर, नहीं, आप उसको ही बताइए कि पाचन तंत्र क्या है, उसको बताइए कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनिए, आप कोशिश कीजिए, आप बता सकते हैं, आप कर सकते हैं, यह आपका उद्देश्य है मुख्य रूप से कहना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आप उससे कीजिए कि संपूर्ण पाचन प्रणाली लगभग कितनी मीटर लंबी होती है। तो जो बच्चे बता सकते हैं ठीक है, जो नहीं बता रहे हैं वहाँ पर क्या हो गए, मौन हो जाएंगे। मौन मतलब अब वहाँ से आपका कार्य आरंभ होता है। अब आप वहाँ से आप बच्चों को बताओगे कि संपूर्ण पाचन प्रणाली लगभग कितनी मीटर होती है, तो इसको बताने के लिए बच्चों को आप क्या करेंगे, कहेंगे चलो बच्चों आज मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद से आप अपना पढ़ाई यानी कि अपना जो शिक्षण कार्य है वहाँ से आप आरंभ कर सकते हैं। तो ये जो थी, ये क्या थी, प्रश्न कौशल के अंतर्गत आपका पाठ योजना का निर्माण। तो ये जो आपका मैंने पाठ योजना का निर्माण बताया किसका था, गृह विज्ञान के लिए था। इसी तरह अगर आप दूसरे विषय में जैसे कि जैसे कि आपको गणित विषय पढ़ाना है तो आप सेम आपका सारा चीज रहेगा, नाम, क्लास, दिनांक, रोल, सारी चीज सेम रहेंगे। विषय में आपका हो जाता है गणित, उप विषय में आप क्या दे सकते हैं, अंक गणित, प्रकरण में आप डाल दीजिए प्रतिशत, क्लास आपका सेम रहेगा शिक्षण।
अब इसमें देखिए जो सहायक सामग्री था, मैंने इसमें खाली किया था कि इसमें पाचन तंत्र में, अब आप सहायक सामग्री आप रख सकते हैं। अब आपको प्रतिशत पढ़ाना है तो आप तो बच्चों को पहले सीधा बताएंगे नहीं कि हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, तो आपका दायित्व क्या होता है? आपका दायित्व होता है कि आप क्या करेंगे, छात्र को इस प्रकार का कंकड़ दिखाते हुए शिक्षक का यह दायित्व होता है, यानी कि सहायक सामग्री अब आपका यह क्या हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर जिसको लोग कहते हैं। अब आपको प्रतिशत पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, शिक्षक यानी कि छात्रों को कंकड़ दिखाते हुए पूछते हैं यह कितने कंकड़ हैं, तो जितना होगा अगर मान लीजिए कि हाथ में चार है, इस तरह की चार कंकड़ है, तो छात्र क्या कहेंगे, चार है, ठीक है। अब वहाँ पर रख दीजिए, अब शिक्षक फिर वहाँ पर, अब आप क्या करेंगे, फिर वहाँ पर बच्चों से प्रश्न करेंगे कि अगर ये चार कंकड़ में से दो कंकड़ को अलग कर देते हैं तो अब कितने कंकड़ बचे हैं, तो छात्र का अब क्या बचेगा, कितना कंकड़ हुए अब, यानी कि अब कितने बचे, यानी कि यहाँ पर आप कहता है कि ये जो चार कंकड़ है, ठीक है, अब चार कंकड़ को अब जब आप अलग करते हैं, अलग करते हुए कहते हैं कि कुल कितने कंकड़ का ये भाग है, यानी कि चार है तो चार को हाफ करते तो दो हो गया, तो अब इसका हम लोग भाग पूछेंगे, ये कितने भाग में बढ़ गया, तो बच्चे का आंसर क्या होगा, आधा। फिर वहां पर अब आप आधा इस भाग को, यानी कि चार का आधा दो हो गया, ये आधा भाग को, आधा भाग को आप दिखाते हुए कहेंगे कि हम अब हम आधे भाग को भिन्न रूप में, यानी कि ये जो आपका आधा भाग है इसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, तो छात्र क्या करेंगे, 1/2। फिर अब आपका काम क्या है, फिर अब आप बच्चों से पूछिए कि 1/2 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो छात्र कहेंगे 1/2%। तो आप लिखिए, फिर वहां से आप पूछिए कि क्या 1/2 जो हम लोग लिखे हैं, यानी कि 1/2 आप जो हम लोग लिखेंगे, क्या वो प्रतिशत है, यानी कि इस ढंग से अगर आप लिखते हैं कि यहाँ पर आप कहते हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि अब आप लिखिएगा छात्रों को ऐसे पूछिएगा लिखकर कि 1/2 ये दिख रहा है आपको, 1/2 1/2 आप वहाँ पर कीजिएगा कितना प्रतिशत है, 1/2 आपका कितना प्रतिशत है, छात्र क्या होंगे, मौन हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप जो मौन हो गए, तो यानी कि वो मौन होना क्या हो गया, वो छात्र का समस्यात्मक प्रश्न हो गया। यानी कि अगर आप गणित पढ़ा रहे, गणित में आपका उप विषय प्रकरण हो जाता है और प्रतिशत पढ़ाना है, तो आप को प्रतिशत पढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, छात्रों को कंकड़ दिखाइए, चार कंकड़ लेकर आइए, पूछिए कितना हो गया। फिर आप दूसरा क्वेश्चन, छात्र कहेंगे चार कंकड़ हो गए। फिर दूसरा आप क्वेश्चन कीजिए कि चार कंकड़ में से दो कंकड़ को अलग करते हैं तो यह कुल कंकड़ का कितना भाग हुआ, तो छात्र बताएंगे आधा भाग हुआ। अब फिर वहां पर आप क्वेश्चन कीजिए कि आधा भाग को हम भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, तो छात्र बताते हैं 1/2। फिर आप कहिए कि 1/2 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिख करेंगे, तो 1/2%। अब वहाँ पर कहिए कि क्या 1/2, अब वहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिए कि 1/2 ये जो होगा कितना प्रतिशत होगा, तो वहाँ पर वो छात्र क्या कर देंगे, शांत हो जाएंगे। तो ये जो शांत हो गया, क्या हो गया, ये समस्यात्मक हो गया। तब आप वहाँ से आप अपना क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, आप प्रतिशत के बारे में पढ़ाना चालू कीजिए कि प्रतिशत क्या है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग देख रहे हैं जैसे कि प्रतिशत के बारे में, ठीक इसी प्रकार से आपको बच्चों से प्रश्न करना है। आज हम लोग प्रश्न, यानी कि आज हम लोग प्रतिशत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये आपका प्रतिशत का हो गया। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट, आप प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत आपको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, विषय की जानकारी होनी चाहिए। और प्रश्न भी ऐसा कीजिए जो तुरंत
बच्चे जिसका जवाब दे दे बिना देर किए हुए, और साथ ही साथ आपका यानी कि आप जो शिक्षक, आपका और छात्र के बीच में सहसंबंध की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो आज हम लोगों ने लेक्चर संख्या 3 में देखा प्रश्न कौशल के अंतर्गत पाठ योजना के निर्माण के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।